अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम करेंगे क्विक अनबॉक्सिंग एंड साथ ही साथ क्विक ओवरव्यू एक फोन का जो कि है पैनासोनिक की तरफ से और इस फोन का नाम है पैनासोनिक एल्यूगा A3 प्रो। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ, लेकिन इससे पहले कि इसकी अनबॉक्सिंग करें मैं आपको इसके कुछ की फीचर बता देता हूँ। ये फोन आता है 4000 mAh बैटरी के साथ, ऑक्टाकोर सीपीयू के साथ और साथ ही साथ इसमें आपको एक वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है। तो शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग के साथ और फिर बताएंगे आपको इस फोन के की फीचर्स और साथ ही साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी। अनबॉक्सिंग तो आपने इस फोन की देख ही ली है, अब बात करते हैं इस फोन की कुछ की फीचर्स के बारे में, बताते हैं आपको कि इस फोन में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बताते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ कुछ इस तरह का डिजाइन है, थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पैनासोनिक के बाकी और फोन से। पीछे की तरफ आपको मेटल का बैक कवर मिल जाता है, साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको पीछे की तरफ 13 MP का कैमरा ड्यूल LED फ्लैश के साथ मिल जाता है और फ्रंट में मिलता है आपको 8 MP का कैमरा। इसी के साथ यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी एम्बेड लाइट सेंसर वगैरह जो है दिए गए हैं। साथ में मिलती है 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, 3 GB की रैम और 5.2 इंच का HD डिस्प्ले। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है तो व्यूइंग एंगल्स यहाँ पे अच्छे हैं और यहाँ पे ये HD डिस्प्ले आपको इस फोन मिल जाता है। फुल HD नहीं है लेकिन नेटिव यूसेज में आपको दिक्कत नहीं आएगी और पिक्सल्स वगैरह जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे, डिस्प्ले की क्लैरिटी अच्छी है। अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बढ़िया दी गई है, साथ ही साथ इस फोन को काफी स्लिम बनाने की कोशिश की गई है जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और उसके बाद भी ये फोन काफी स्लिम जो है फील होता है। हाथ में आप आराम से ग्रिप कर सकते हैं, एक हाथ से यूज भी कर सकते हैं और 5.2 इंच का डिस्प्ले ना तो छोटा है ना ही बहुत बड़ा है और एक डिसेंट टाइप का डिस्प्ले जो है आपको इसमें मिल जाता है साइज के हिसाब से। क्लैरिटी के मामले में डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है। कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा 13 MP का है जिससे आप अच्छी क्वालिटी की फोटो ले सकते हैं। मैं आपको कुछ फोटो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं रियर कैमरा से और आप देख सकते हैं कि इस फोटो को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो अच्छी क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है और कलर्स वगैरह भी अच्छे से दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा की फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की क्लैरिटी मिलती है आपको फ्रंट कैमरा से और ये एक आर्टिफिशियल लाइट में ली गई फोटो है और इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत नॉइज आपको देखने को मिलती है लेकिन फिर भी एक अच्छी क्लैरिटी की सेल्फी अच्छे कलर्स के साथ ये कैप्चर कर लेता है। प्रोसेसर की बात करूं तो इस फोन में आपको 1.3 GHz का ऑक्टाकोर सीपीयू मिल जाता है जो कि MediaTek 6753 है और जितनी स्टोरेज और जितनी रैम इस फोन में है आपको डे टू डे यूसेज में गेमिंग करते हुए या फिर मल्टीमीडिया में मूवी देखते हुए परेशानी नहीं होगी और हमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में मुझे ये बात अच्छी लगती है कि इस फोन के अंदर आपको डे टू डे यूसेज में दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ पैनासोनिक के इस नए फोन को मैं देता हूँ थम्स अप, लेकिन अगेन इस वीडियो को आप फुल रिव्यू मत मानिए, हम इसका फुल रिव्यू बिल्कुल करेंगे अच्छे से डिटेल में, बाकी सारी चीजें टेस्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे कि हम इसका फुल रिव्यू करें, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।